नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका स्वागत है अपने पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस के बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं अभिषेक गुप्ता लेकर हाजिर हूँ आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सफर। अलग अलग प्रकार की सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश को कन्वीनियंट बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही एक मोबाइल ऐप को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। ये मोबाइल ऐप निवेशकों को सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल आदि में निवेश करने की अनुमति देगा। अभी तक रिटेल इन्वेस्टर्स केवल वेबसाइट पर लॉग इन करके ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल ऐप आने से निवेशक कहीं भी और कभी भी चलते फिरते सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकेंगे। इस साल गर्मियों में हालात बदतर हो सकते हैं। डेयरी पशुओं में पानी की कमी होने से इस साल दूध की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हो सकती है। देश के कई राज्यों में अभी से भीषण गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। गर्मी का असर इंसानों के साथ साथ मवेशियों पर भी दिखने लगा है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल भीषण गर्मी और कई बांधों के सूखने से डेयरी पशुओं को पानी की दिक्कत हो सकती है। गाय भैंसों में पानी की कमी होने से उनकी दूध देने की क्षमता प्रभावित होती है। अधिक तापमान से दूध उत्पादन क्षमता भी प्रभावित होती है। उत्पादन कम होने से इस साल दूध की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को तोहफा दिया है। SBI ने अपनी लोकप्रिय वीक ईयर फिक्स डिपॉजिट स्कीम की इन्वेस्ट करने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। SBI VKS सीनियर सिटीजन के लिए एक स्पेशल FD स्कीम है। SBI की यह स्कीम सीनियर सिटीजन को 5 से 10 साल तक के निवेश पर ज्यादा ब्याज दर की पेशकश करती है। पहले VKS में निवेश करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 थी, लेकिन SBI ने इसे आगे बढ़ाकर 30 सितंबर 2024 कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार के 100 दिन के एजेंडे में लेबर को टॉप प्रायोरिटी रहने वाली है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक मिनिमम वेजेस को लिविंग वेजेस में बदलना, सभी असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और महिलाओं की कार्यबल में बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करना नई सरकार के एजेंडे में शामिल है। सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से लेबर कोड को वित्त वर्ष के साथ समन्वयित करने की योजना बनाई है। सरकार ने पहले ही संभावित चुनौतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। एग्जीक्यूशन की निगरानी कैसे की जाए, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। EPFO और ESIC सहित श्रम मंत्रालय के तहत सामाजिक सुरक्षा संगठनों को लेबर कोड के तहत बदलावों को अपनाने पर काम चल रहा है। रेल से यात्रा करने वालों को सस्ता राशन भी मिलेगा। भारतीय रेलवे ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत चुनिंदा रेलवे स्टेशन पर भारत ब्रांड का सस्ता आटा और चावल बेचा जाएगा। भारत ब्रांड आटा 27.5 रुपये किलो और भारत चावल 29 रुपये प्रति किलो की दर पर बेचा जाएगा। पहले फेज में देश भर के 505 रेलवे स्टेशनों पर भारत ब्रांड आटा चावल की बिक्री शुरू की जाएगी। IDBI बैंक ने अपने ग्राहकों को राहत दी है। बैंक ने अपनी उत्सव FD स्कीम में निवेश की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है। IDBI बैंक ने 300 दिन, 375 दिन और 444 दिन की स्पेशल FD में निवेश करने की समय सीमा को 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 30 जून 2024 कर दिया है। 444 दिन वाली FD पर सामान्य ग्राहकों को 7.5%, जबकि सीनियर सिटीजन को 7.5% दर से ब्याज की पेशकश की जा रही है। अब चॉकलेट खाने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। चॉकलेट महंगी होने वाली है। चॉकलेट बनाने में उपयोग होने वाली कोको बीन्स की कीमत बढ़ने के बाद अमूल चॉकलेट ने अपनी सभी चॉकलेट की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। भारत में कोको बीन्स की कीमत 250 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 800 रुपये तक पहुंच गई है। दुनिया भर में कोको बीन्स की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। चॉकलेट बनाने वाली अधिकांश कंपनियां या तो कीमतें बढ़ाने या साइज घटाने पर विचार कर रही हैं। बजाज फाइनेंस ने अपनी फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा की है। बजाज फाइनेंस ने 3 अप्रैल से नई ब्याज दरों को लागू कर दिया है। कंपनी ने सीनियर सिटीजन के लिए 25 से 35 महीने की FD पर इंटरेस्ट रेट में 60 बेसिस पॉइंट्स तक की बढ़ोतरी की है। 18 से 24 महीने वाली FD की ब्याज दर में 40 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की गई है। 42 महीने वाली FD पर सीनियर सिटीजन को सबसे ज्यादा 8.85% इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है। विस्तारा एयरलाइंस के यात्रियों की परेशानी जल्द खत्म होने वाली नहीं है। विस्तारा ने पायलट संकट के बीच अपनी दैनिक उड़ानों में 10% कटौती करने का फैसला किया है। विस्तारा को 31 मार्च से शुरू हुए समर सीजन के लिए प्रतिदिन 300 से ज्यादा उड़ानें संचालित करनी थी, लेकिन वेतन समझौते के विरोध में बड़ी संख्या में पायलट के अवकाश पर चले जाने के कारण विस्तारा को अब 25 से 30 उड़ानों को रद्द करना पड़ रहा है। ऐसा कर कंपनी अपनी परिचालन को बेहतर बनाना चाहती है। कंपनी ने प्रभावित यात्रियों को अन्य उड़ानों में समायोजित कर दिया है।
आईपीएल के बढ़ते खुमार के बीच देश में अवैध सट्टेबाजी वाले प्लेटफॉर्म्स की भी बाढ़ आ गई है। पैरी मैच, बेटवे, वन एक्स बेट, बेटफेयर, क्रिक एक्स, फेयर प्ले जैसे प्लेटफॉर्म क्रिकेट प्रेमियों को लुभाने के लिए मैच टिकट पर छूट और ट्रेजर हंट्स जैसे प्रलोभन दे रहे हैं। ई गेमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सरकार से इन अवैध प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। खास कार्यक्रम देखने के लिए आप Money9 ऐप को भी डाउनलोड कर लें और बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार। तो देखते रहे Money9। अभी मैं अभिषेक गुप्ता आपसे लेता हूं विदा। धन्यवाद।